हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चुड़ैल की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, जो चुड़ैल किसी एक जिंदे व्यक्ति के पीछे पड़ गई थी। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बातें करती थी। इस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वह सदा के लिए उसका बनकर रहना चाहती है। पर क्या वह चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाई? शायद यह कहानी इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी और एक चुड़ैल के प्रेम को, उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि यह कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वह चुड़ैल पड़ गई थी। जी हाँ, मतलब प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने यह कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए, पर प्लीज़ डरना मना है। यह कहानी आज से 44-55-60 साल पहले की है, जब गांवों के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे झाड़ियाँ आदि हुआ करती थी। जगह जगह पर बसवाड़ी, बांस का बगीचा, बहुआनी, बारियाँ, आम आदि के पेड़ों के बगीचे आदि हुआ करते थे। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियाँ थी, वह भी मूज आदि पौधों से घिरी हुई। ऐसे समय में भूत प्रेतों और चुड़ैलों का बहुत ही बोलबाला था। लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं के डरावने अनुभव हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये रोए खड़ी कर देने वाली आत्माओं के कुछ नाम भी हुआ करते थे, जो इनके काम या रहने की जगह आदि पर रखे जाते थे। जैसे पंडित जी के श्रीफल पर चुड़ैल, नेटू आबीरी बाबा, बड़की बारी वाला भूत, बड़की बारी में चुड़ैल, सारंगी बाबा, रक्त पियनी चुड़ैल, नर रडू बनी चुड़ैल, प्यास नंबरी चुड़ैल आदि। तो आइए आप लोगों को चुड़ैल से मिलवाता हूँ, जो एक आम के बगीचे के कोने में स्थित एक बांस की कोठी, कोठी यानी एक पास एक में सटे उगे हुए बांस से बांस में रहती है। यह कहानी जिस समय की है, उस समय बहिरू बाबा गबड़ू जवान थे। चिक्का कबड्डी दौड़ आए। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग मैं दूसरे वीडियो में पेश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।